रीवा शहर की सामान थाना पुलिस ने एटीएम फ्रॉड करने वाली गैंग का खुलासा किया। अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वारदात का पर्दाफाश एसपी अनिल सोनकर ने किया, कहा कि गैंग में बिहार के 4 युवक शामिल हैं जो नेशनल हाईवे 30 के रीवा सतना जिले के अमरपाटन और जबलपुर जिले के पनागर में रेकी उन्होंने की। वे भीड़भाड़ वाले एटीएम को चिन्हित करते हैं। 4 युवकों में 2 एटीएम बूथ के अंदर हो जाते हैं जबकि 2 बदमाश एटीएम के बाहर फ्रॉड करने के की रूपरेखा जो है वो दोनों बनाते थे। अंदर वाले युवक माचिस की तीली से एटीएम डालने वाली जगह पर जो है फेविक्विक लगा देते थे। जब ग्राहक कार्ड डालता तो उसका कार्ड फंस जाता। परेशान उपभोक्ता को देखकर गैंग के लोग मदद का भरोसा देते, कहते कि पिन नंबर डालकर इंटर बटन दबा दो तब कार्ड बाहर निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में बगल के कॉम्प्लेक्स में संबंधित बैंक का ऑफिस होने का झांसा देते थे। समान पुलिस ने एक एटीएम ग्रोह को पकड़ा है। ये ग्रोह मूलतः जो है बिहार से संबंधित है। ये लोग एक कार में बैठ करके और अपना जगह जगह जो है एटीएम के आसपास विचरण करते रहते हैं और ऐसे टारगेट को पकड़ते हैं जो अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा कम हो, कंप्यूटर में या एटीएम में काम करने के लिए अक्षम हो, ज़्यादा जानकारी ना हो, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं।